वेलकम बैक क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड क्वेश्चन ऑफ द सेम टॉपिक जिसमें हम लोगों ने कल लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड किया था, जिसमें हम लोगों ने क्या काम किया था कि डेसिमल पॉइंट के बाद आपने दो नंबर लाजमी फाइंड करने। आज उसका सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे अपने उसने लिमिट इंक्रीज कर दी है 3 तक। इसका मतलब कि अब तो पॉइंट तो लगेगा, लेकिन अब हमारी लिमिट 2 नहीं होगी, अब वहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट का होना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द मेन टॉपिक, फाइंडिंग स्क्वायर रूट नंबर अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो क्लास यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज माइंड में रखनी है कि जब आपने 3 डेसिमल प्लेसेस की बात की है तो इसका मतलब कि पॉइंट के बाद 3 नंबर होने चाहिए। और ये कल हमने एक चीज चेक की थी लेक्चर में कि जब भी आप एक डुपर नंबर चाहते हो कि वो क्रिएट हो जाए तो आपको नीचे वाले नंबर को पहले आपने देखना होगा कि क्या वाकई में वहां पे नंबर है जिसकी वजह से ऊपर एक डेसिमल नंबर क्रिएट हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पेयर बनाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे 5 और 0 इसका एक पेयर बन जाएगा, नेक्स्ट 3 और 7 का पेयर बन जाएगा, और हर एक पेयर की वजह सिर्फ एक सिंगल डिजिट ही ऊपर क्रिएट होगा। इसका मतलब कि इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ मैं 2 डेसिमल नंबर क्रिएट कर सकता हूँ जबकि मेरे पास तीसरा कोई नंबर नहीं है। तो यहाँ पे हम उस चीज के लिए क्या करेंगे, हमने यहाँ पे अपने से एक 0 पुट करना है, और जो 0 पुट करेंगे वो पेयर की शक्ल में होगा। बिकॉज द रूल विल बी रिमेन सेम कि आपने यहाँ से पेयर बनाते हुए जाना है और मेक श्योर कि ये नंबर पॉइंट से क्रॉस होकर दूसरे नंबर के साथ पेयर ना बनाए। तो यहाँ पे हम सिंगल 0 नहीं ऐड करेंगे, हम यहाँ पे डबल 0 ऐड करेंगे। इससे ये होगा कि हमारे पास सारे नंबर जो हैं डेसिमल पॉइंट के बाद जो हमें चाहिए दैट इज 3, वो हमें ऊपर आराम से मिल जाए। ओके, अगर हम पेयर बनाना शुरू करें, फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर एंड देन सिंगल डिजिट, इसका मतलब अब मुझे स्टार्ट करना है 0 के साथ। तो सबसे क्लोजेस्ट जो मेरे पास नंबर बनता है 0 से वो है 0 × 0। रिमेंबर क्लास यहाँ पे वही रूल रहेगा, जो टेबल आप यहाँ पे चूज करोगे तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर भी वही नंबर आ जाएगा। तो अगर मैंने यहाँ 0 रखा है तो 0 ही ऊपर आएगा, अगर मैं यहाँ पे 1 रखूंगा तो 1 ही ऊपर आएगा। सो 0 0 0 0, अब 0 खत्म हो चुका है। अब अगर मैं पॉइंट के बाद वाले नंबर नीचे लाऊंगा तो सबसे पहले मैं ऊपर पॉइंट को शो करूंगा। अब मैं इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा कि 37 को मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर लूं, ये आ जाएगा 37 सेम। अब जब 37 नीचे आया तो ये 0 भी ऑटोमेटिकली 0 के नीचे आके प्लस हो जाएगा। यही बेसिक स्टेप हर दफा रिपीट हो रहा है, कल भी हमने यही किया था, आज भी यही करेंगे। हमारा जैसे ही स्टेप होगा फिर हम नए टेबल की तलाश में निकलेंगे ताकि हमें उसके करीब करीब एक नंबर मिल जाए। अब इस टाइम पे मेरे पास 0 + 0 तो सेम 0 आ जाता है। अब मुझे 37 से करीब करीब कोई नंबर देखना है तो मैं क्या करूंगा, सेल्फ मल्टीपल नंबर में देखूंगा तो मेरे पास 6 निकलेगा, सच एज 6 × 6 = 36। अब 36 37 से छोटा भी है और इसके करीब भी है तो हम इसको यूज करेंगे। 6 यहाँ पे रखा तो ऑटोमेटिकली 6 यहाँ पे भी आ जाएगा, और अब मैं 37 के नीचे 6 पुट कर दूंगा। माइनस करेंगे तो मुझे यहाँ से मिलेगा 1। अब सेम अगर मैं 50 को नीचे लेके आता हूं तो ऑटोमेटिकली 6 भी फिर 6 के नीचे आके प्लस हो जाएगा। तो 6 + 6 = 12, ठीक है। अब 12 के साथ आपने एक नया टेबल सोचना है जो आपको 150 के करीब करीब ले जाए। फॉर एग्जांपल मैं 12 के साथ अगर 2 रखता हूं तो सेम मुझे 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। अब ये जो नंबर क्रिएट हुआ वो काफी से हद तक काफी आगे निकल चुका है तो मैं इस 2 के बजाय 1 को यूज करना चाहूंगा। सो 1 2 के साथ रखेंगे 1 और सेम फिर 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 × 1 = 1, 1 × 2 = 2 एंड देन 1 × 1 = 1। अब अगर 2 से करता हूं तो इंक्रीज कर रही है लिमिट, और अगर 1 से करता हूं तो ये उससे छोटी लिमिट में आ रहा है, तो इसका मतलब हमें 1 यूज करना चाहिए यहां पे। तो नया नंबर क्या हुआ, 1, ऑटोमेटिकली 1 ऊपर आ जाएगा एंड देन वी गेट 121। माइनस करते हैं, 0 में से 1 नहीं जाता, हम 5 से कैरी ले लेंगे, ये हो जाएगा 10, और 10 में से 1 गया 9, 4 में से 2 गया 2 एंड देन 1 में से 1 गया 0। नेक्स्ट, अब वो जो नंबर हमने खुद रखा था उसको प्लेस करेंगे नीचे। अब इस नंबर को रखने का फायदा क्या था, क्योंकि उसने जो हमें टारगेट दिया था 3 डेसिमल पॉइंट का, यहां तक 2 तो फाइंड हो गया लेकिन नंबर खत्म होने की वजह से 3rd नहीं क्रिएट हो रहा, तो हम 3rd के लिए अब फिर क्या करेंगे, 0 को पुट करेंगे। तो अब 0 को मैं ड्रैग कर लेता हूं नीचे
और सेम ये वन भी नीचे आ जाएगा अपने वन के साथ प्लस होने के लिए. सो वन प्लस वन टू, देन सेम टू एंड देन वन. अब नया टेबल आपने सोचना है जो कि इसके करीब करीब नंबर बना दे आपके लिए. तो यहां पे आप अपने माइंड को थोड़ा सा इस्तेमाल करें कि नया टेबल क्या होगा. अब मुझे माइंड में रखना है कि वो 2900 से नीचे नीचे हो. तो अगर मैं नया नंबर रखता हूं दैट इज 1 डबल 2, इसके साथ अगर 2 रखूंगा तो सेम 2 से मल्टीप्लाई करूंगा. क्लास मेक श्योर ये नंबर जो है आपने लाजमी रखने ताकि आपको पता चले आप अपनी लिमिट के कितने हद तक करीब हो. ठीक है. नाउ 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 2s are 4 एंड देन 2 1s are 2. अब काफी हद तक मैं इससे करीब हूं लेकिन इतना भी करीब नहीं है, तो 3 से एक दफा ट्राई करेंगे. सो 1 डबल 2 3, देन सेम 3 से मल्टीप्लाई. 3 3s are 9, 3 2s are 6, 3 2s are 6 एंड देन 3 1s are 3. अब जो मेरे पास नंबर आया 3 से मल्टीप्लाई करने से वो इसकी लिमिट से बहुत एक्सीड कर चुका है. तो हम क्या करेंगे, इस टेबल को छोड़ के हम इस टेबल को यूज करेंगे. और हमें सिर्फ माइंड में रखना था कि हमारे पास 3 डेसिमल पॉइंट हो, नंबर खत्म होता है नहीं होता है तो लिव इट. आपने सिर्फ माइंड में रखना है कि यहाँ पे आपके पास 3 डेसिमल पॉइंट होने चाहिए. तो नया नंबर आपने यहाँ पे रखा 2, सेम 2 से मल्टीप्लाई, देन यू विल गेट 2 ट्रिपल 4. माइनस करेंगे 0 में से 4 नहीं जाता, सेम 0 में से 4 नहीं जाता. इस 9 से हम सबको कैरी देंगे, 9 को कट डाउन करेंगे ये हो जाएगा 8, इधर हो जाएगा 10, 10 को कट डाउन करेंगे ये हो जाएगा 9 और यहाँ पे बनाएगा ये होगा 10. 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 4 गया 4. So, यहीं पे हम अपना सोल्यूशन रोकेंगे क्योंकि हमारा जो टास्क था कि आपको 3 डेसिमल नंबर चाहिए तो हमने वो कंप्लीट किया. मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 6.7. अब यहाँ पे आपके पास कुछ एक्स्ट्रा नंबर नहीं है तो सेम रूल यही अप्लाई करेंगे, जितने हमें ऊपर डेसिमल नंबर चाहिए उतने हमें जीरो नीचे पुट करने पड़ेंगे. तो हमने क्या किया, पॉइंट के बाद देखा 7 मौजूद है, 7 के साथ खुद से जीरो लगाए. अब ये एक नंबर ऊपर मुझे क्रिएट करके देगा, उसके बाद 00 ये सेकंड करके देगा एंड देन 000 3rd time 0, तो ये मुझे क्रिएट करके देगा तीसरा नंबर. क्लास वहां पे हमने एक चीज माइंड में रखनी है कि जितने हम नीचे पेयर रखेंगे हर पेयर एक नया नंबर क्रिएट करके देगा. ठीक है. और हमें 3 ही नंबर चाहिए थे वो भी पॉइंट के बाद, तो हमने 3 की अंदर समझ के अंदर 3 के माइंड में रख के हमने नीचे पेयर पेयर के कंप्लीट किए हैं 0. अब 0 सबसे छोटा है तो इससे कोई नंबर को असर भी नहीं पड़ता. तो स्टार्ट करते हैं पेयरिंग से. तो ये फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर एंड देन सिंगल डिजिट. अब सबसे पहला डिजिट आ गया 6, तो 6 से करीब करीब मेरे पास कौन सा नंबर आ जाएगा 2. अगर मैं 3 यूज करता हूं तो ऊपर भी 3 मुझे रखना पड़ेगा. सो 3 3s are 9. अब मैंने 2 रखा है तो 2 2s are 4. ये उसे काफी करीब भी और छोटा भी है. तो 6 में से 4 चला जाएगा, आपके पास रह जाएगा 2. अब पॉइंट से अगला नंबर नीचे लेके आना है तो सबसे पहले इस पॉइंट को आप ऊपर शो करोगे कि पॉइंट वाले नंबर अब नीचे शुरू हो जाएंगे. तो आप 70 को नीचे ले आओगे, तो जैसे ही 70 नीचे आएगा तो 2 भी ऑटोमेटिकली इस 2 के नीचे आके प्लस हो जाएगा. और 2 प्लस 2 4. अब 4 के साथ नया नंबर रखना है तो 4 के साथ कौन सा नया नंबर होगा हमारे पास. अगर मैं 4 के साथ 5 रखता हूं तो सेम 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 5 5s are 25, 5 5 2 कैरी, 5 4s are 20, 20 plus 2 22. काफी हद तक करीब है लेकिन अभी तक उस लिमिट तक नहीं पहुंचा, तो हम इसकी एक्सीड कर देंगे एक नंबर को 6 तक. 6 6 are 36, 6 आ गया 3 कैरी, 6 4 are 24, 24 plus 3 27. अब मैंने 6 जैसे रखा उसने मुझे करीब करीब तो दिया नंबर लेकिन वो 6 आगे चला गया डिजिट, तो हम इसको 5 तक ले आएंगे. यहाँ पे 5 रखेंगे, सेम 5 से मल्टीप्लाई, देन वी विल गेट 2 2 5. माइनस करते हैं, 0 में से 5 नहीं जाता तो हम क्या करेंगे कैरी ले लेंगे. 7 को कट डाउन किया, इधर 1 लगाए 10, 10 में से 5 किया 5 और उसके बाद 6, 6 में से 2 किया 4, 2 में से 2 किया 0. नेक्स्ट पेयर को नीचे ले आएंगे 0 0 को, यहाँ पे 0 हमने लगा दिया तो सेम 5 भी नीचे अपने 5 के पास आके प्लस हो जाएगा. 5 प्लस 5 10, 0 आ जाएगा 1 कैरी, 1 प्लस 4 5. अब नया नंबर आपने सोचना है जो उसके करीब करीब हो, तो मैं यहाँ पे इसके लिए सोच लेता हूँ दैट 5 के साथ अगर मैं
5 रख दूं तो सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 5s are 25, 5 आगे 2 कैरी, 5 0s are 0 एंड देन 2, 2, 5 5s are 25। अब जो मेरे पास नंबर आया वो काफी उसके हद तक हाफ है, तो मैं नंबर एक्सीड कर दूंगा थोड़ा सा गैप देके कि 5 0 के साथ मैं रखूंगा 8, 8 से मल्टीप्लाई। नाउ 8 8s are 64, 4 आ गया 6 कैरी, 8 0s are 0 एंड देन 6 plus 6, 8 5s are 40। अब ये 8 ने जो है काफी हद तक मुझे करीब पहुंचा दिया है, तो मैं एक नंबर और एक्सीड करूंगा 9 से चेक कर लूंगा ताकि मेरे सॉल्यूशन में कोई गड़बड़ ना हो। सेम 9 रखा, 9 से मल्टीप्लाई, 9 9 था 81, 1 आ गया 8 कैरी, 9 0s are 0 plus 8, 8 एंड देन 9 5s are 45। अब मेरे पास जो 9 से नंबर बना है दैट इज 4581 जो कि इसकी लिमिट से काफी हद तक इंक्रीज कर दिया, तो मैं इसमें क्या करूंगा इसकी लिमिट को वापस पीछे ले जाऊंगा कहां तक 8 तक। तो यहां पे मैंने नया नंबर रखा 8, सेम 8 से मल्टीप्लाई तो मेरे पास आ जाएगा 4064। माइनस कर लेते हैं तो 0 में से 4 नहीं जाता, 0 में 6 नहीं जाएगा, 5 से कैरी देंगे सबको। अब 10 में से 4 गया 6, 9 में 6 गया 3 एंड देन 4 में से 0 गया 4, 4 में से 4 गया खत्म। नेक्स्ट और लास्ट पेयर दैट इज 00 ये इसको हम नीचे ले आएंगे और सेम 8 भी फिर ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। 8 plus 8 16, 1 कैरी, 1 plus 0 1 एंड देन 5 नीचे। अब मेरे पास जो नंबर बना दैट इज 5560। अब नया नंबर सोचना है जो मुझे इसकी लिमिट तक लेके चला जाए, तो मैं यहां पे सोच लेता हूं अपने नंबर दैट इज 516 के साथ मैं रख दूंगा 8, 8 से मल्टीप्लाई, 8 8 से 64, 4 आ गया 6 कैरी, 8 6 जा 48, 48 प्लस 6 54, 4 आ जाएगा 5 कैरी, 8 1 जा 8। ओके तो यहाँ पे अब नेक्स्ट चीज चेक की जो हमने नंबर क्रिएट किया वो काफी हद तक उसके करीब है, 41,000 तक हो गया, हमारी लिमिट कितनी थी 43,000। तो एक नंबर और आगे जरा चेक करते हैं कि वहां पे हमारे पास कौन सा नंबर बनेगा। तो 516 के साथ मैंने रख दिया 9, सेम 9 से मल्टीप्लाई, 9 9 से 81, 1 आ गया 8 कैरी, 9 6 से 54, 54 प्लस 8 62, 2 आ जाएगा 6 कैरी, 9 1 से 9 प्लस 6 15, 5 आएगा 1 कैरी, 9 5 से 45 प्लस 1 46। अब इसका मतलब है कि मुझे 9 तक नहीं जाना क्योंकि इसने मेरा नंबर एक्सीड कर दिया 46,000 तक और मुझे चाहिए 43 तक, तो मैं इससे पीछे आ जाऊंगा 8 के टेबल पे जहां पर मुझे 41 मिल रहा था और मुझे सिर्फ एक ही और डिजिट चाहिए था जिसमें हमारी कंडीशन पूरी होती है। तो यहां पे मैंने रखा 8, सेम 8 से मल्टीप्लाई तो मेरे पास नंबर आ जाएगा 41344। माइनस करेंगे 0 में से 4 नहीं जाता, सेम 0 में से 4 नहीं जाता, 6 में से 3 जाता है, तो कैरी यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां पे रह जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, 10 को कट डाउन किया 9 एंड देन 1 आ जाएगा 0, तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 5 में से 3 गया 2, 3 में से 1 गया 2। तो ये आपके पास लास्ट जो है वो रिमाइंडर रह गया जिस पे हमने आगे नहीं जाना क्योंकि हमारी जो कंडीशन थी अप टू 3 डेसिमल पॉइंट ये हमारे पास हो चुका है 3 डेसिमल प्लेस का क्वेश्चन। सो क्लास माइंड में रखना है कि जो टेबल आप बाय सिलेक्ट करोगे वही टेबल आपको ऊपर भी रखना है और क्वेश्चंस को हल करते हुए जाना है, लेकिन मेक श्योर अगर नंबर कंप्लीट नहीं है तो सबसे पहले चीज अपने माइंड में उठाएं कि नंबर का कंप्लीट होना लाजमी है। ठीक है, सो टेक केयर, अल्लाह।